चेयरमैन साहब, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे अकेली महाराष्ट्र की बात नहीं है, सारे देश की बात है और बहुत ही ये चिंता की बात है। लेकिन ये होता कहां है? क्यों जहां पे ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं वहां पे ये फेडरलिज्म क्यों तोड़ा जाता है? वहां पे क्यों देश में की एजेंसियां आके दखल देती हैं? और उसके बाद सर पॉलिटिकल लोग हम एक दूसरे के ऊपर दूषणबाजी करके जो ऑफिसर रहते हैं वो बच जाते हैं। मेन कल्प्रेट सर इसमें ऑफिसर हमेशा होते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल एक दूसरे पे लोग पार्टियों पे लगा के वो ऑफिसर जो होते हैं वो निकल जाते हैं। हम अपने आप को जरूर बुरा भला यहां कह के, चाहे असेंबली हो, चाहे पेपर्स हो, चाहे पार्लियामेंट हो, लेकिन सर अफसर नहीं निकलने चाहिए। यही ऑफिसर था जो उनको बहुत अच्छा लगता था, यही ऑफिसर है जो आज जिन्होंने ये काम किया। ये दोनों तरफ ऑफिसर रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार के ऊपर सर अगर यहां से आप ऑफिसर भेजेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसा एक स्टेट है, ऐसी शानदार स्टेट है जो आप वो भी मध्य प्रदेश की तरह तोड़ना चाहते हैं, वहां पे सरकार आप, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर की एजेंसियां बिल्कुल वहां पे इंटरफियर करेंगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।